हरियाणा में बीजेपी के ऐतिहासिक हैट्रिक की चर्चा आज समूचे भारत में है, लेकिन बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत में एक तस्वीर की चर्चा होना लाजमी है। हरियाणा न्यूज की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत और ऐतिहासिक जीत की ये ऐतिहासिक तस्वीर। इस तस्वीर में दिख रहे ये बीजेपी के चार सितारे हरियाणा के चुनावी संग्राम के वो महान योद्धा है जिन्होंने हरियाणा में तीसरी बार कमल खिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। चाहे छोटी टोलियों का मंथन रहा हो या ग्राउंड पर सर्वे, कार्यकर्ताओं की एकजुटता रही हो या विधानसभाओं का सियासी टेम्परेचर, इन नेताओं ने तीसरी बार हरियाणा में कमल खिलाने के लिए अपना रात दिन एक कर दिया। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद जो हाईकमान ने पीठ थपथपाई, उसकी खुशी इस सेल्फी में देखी जा सकती है। बीजेपी के ये चार स्टार नेता हैं सतीश पुनिया, सुरेंद्र नागर, धर्मेंद्र प्रधान और विप्लव देव। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला था। एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी ने 48 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। जीत के बाद बीजेपी हाईकमान ने हरियाणा प्रभारी सतीश पुनिया, हरियाणा सह प्रभारी सुरेंद्र नागर की पीठ थपथपाई, तो हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और हरियाणा चुनाव सह प्रभारी विप्लव देव के अनुभव को भी सराहा। सतीश पुनिया बीजेपी के दिग्गज जाट नेता, 1982 में एबीवीपी के साथ राजनीति की शुरुआत, 1989 में राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव चुने गए, 1992 में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश महासचिव बने, 2018 से 2023 तक राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे, 2004 से 2014 तक चार बार बीजेपी में प्रदेश महामंत्री रहे, 2019 में राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष पद की कमान संभाली। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा का चुनाव प्रभारी बनाया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने प्रदेश प्रभारी बनाया था। मुझे लगता है कि हरियाणा के लिए चुनाव खास था, देश के लिए भी खास था। अच्छा बहुमत हरियाणा की जनता ने दिया जिसका हमने सम्मान किया। इस सम्मान को स्वीकार करते हुए हरियाणा का शासन अच्छा चले, हरियाणा को हम लोग अच्छी नीतियां दें और हरियाणा देश में एक रोल मॉडल हो सुशासन का, उस पर हमारी कोशिश। बीजेपी ने सुरेंद्र नागर को हरियाणा जैसे राज्य का सह प्रभारी बनाने का दाव सोच समझ कर खेला और रणनीति सटीक भी बैठी है। गुर्जर बिरादरी में उनका कद काफी बड़ा है, बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित भी हुए। सुरेंद्र नागर ने कई इलाकों में, खासकर गुर्जर बहुल इलाकों में बंद कमरे में बैठके की और बड़ी तादाद में साइलेंट गुर्जर वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। सुरेंद्र नागर का राजनीतिक सफर, देश में गुर्जर समाज से जुड़ा बीजेपी का बड़ा चेहरा। 1998 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद से राजनीतिक सफर की शुरुआत, 1998 में वो स्थानीय निकाय सीट से चुनाव जीतकर एमएलसी बने, 2009 में गौतम बुद्ध सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे, 2016 में राज्यसभा चुनाव लड़ा और जीत का स्वाद चखा, 2019 में बीजेपी ने खाली हुई सीट पर राज्यसभा भेजा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा सह चुनाव प्रभारी बनाया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रदेश सह प्रभारी की भूमिका निभाई। बीजेपी ने जैसे ही हरियाणा में धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाया तो एंटी इनकम्बेंसी रोकने के लिए प्रधान ने अपना चक्रव्यूह तैयार कर लिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार जब चरम पर था, बीजेपी के राष्ट्रीय नेता मुख्यमंत्री नायब सैनी और अन्य नेता प्रचार में व्यस्त थे, तब प्रधान ओबीसी की अलग अलग जातियों के साथ छोटी छोटी बैठकें कर रहे थे। हरियाणा में ओबीसी की आबादी लगभग 22% है। प्रधान ने अपना बेस पंचकुला, कुरुक्षेत्र और रोहतक में बनाया। पाल, कश्यप और कम्बोज जैसी कई ओबीसी जातियों के साथ बैठकें की, जिसका रिजल्ट सभी के सामने है। धर्मेंद्र प्रधान का राजनीतिक सफर, 1983 में पहली बार एबीवीपी के साथ राजनीतिक सफर की शुरुआत, 2000 में पहली बार पल्लाहारा से विधायक बने,
2004 में देवगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव जीता। मोदी कैबिनेट के लगातार 3 कार्यकालों में मंत्री बने। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने चुनाव प्रभारी बनाया। कांग्रेस पार्टी अपप्रचार कर रही है, कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बाप और बेटे, बापू और बेटे दोनों राजनीतिक सत्ता को हत्याने के लिए सारे उपक्रम कर रहे हैं। हरियाणा के किसानों की जमीन लूट की जो सब मामले हैं ये सामने न आ जाए, इसलिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। ये भ्रष्टाचारियों को हरियाणा की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। पिछड़े की बेटा नायब सिंह सैनी फिर भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में हरियाणा की जनता के आशीर्वाद में मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता बिप्लब देव भी हरियाणा विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी नियुक्त होते ही कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुट गए थे। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, बिप्लब देव को ये बात पता थी, इसलिए हरियाणा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैक टू बैक मीटिंग और संवाद किया और विपक्ष के शासन काल के दौरान रही खामियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को जागरूक किया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि जाट बहुल इलाकों में भी बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब रही। बिप्लब देव का राजनीतिक सफर 2016 से 2018 तक त्रिपुरा बीजेपी के अध्यक्ष रहे। 2018 से 2022 तक त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। 2022 से 2024 तक त्रिपुरा से राज्यसभा सांसद रहे। 2022 में बीजेपी ने हरियाणा का प्रभारी नियुक्त किया। 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चुनाव सह प्रभारी बनाया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दंगल में बीजेपी की हैट्रिक में हाईकमान के कई बड़े फैसले शुमार रहे। इनमें इन 4 महारथियों को दी गई बड़ी जिम्मेदारी भी एक है, जिसका नतीजा आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।